एक बार एक सेठ के यहाँ एक कारीगर मकान बनाने का काम करता था। समय के साथ जब कारीगर बूढ़ा हुआ तो कारीगर ने सेठ से कहा कि अब मैं अपने काम से रिटायर होना चाहता हूँ। सेठ ने कुछ सोचा और कारीगर से कहा कि चलो ठीक है, पर जाते जाते एक मकान और बना दो। तो कारीगर ने ऊपरी मन से एक और मकान बनाने के लिए हाँ कर दी। अब कारीगर मकान तो बना रहा था, लेकिन उसका मन काम करने में नहीं लग रहा था। सोच रहा था कि सेठ के यहाँ इतने साल काम किया तो भी जाते जाते कुछ देने के बदले मुझसे काम करवा रहा है। इसी सोच से काम करने के कारण घर भी सही से नहीं बना पा रहा था। आखिरकार उसने घर बनाया, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं बना जितना वो पहले बनाता था। काम पूरा करके सेठ के पास गया। सेठ ने पास बुलाया और कहा, तुमने पूरी जिंदगी मेरे लिए बेहतरीन मकान बनाए, मैं तुम्हारे काम से बड़ा खुश हूं, इसलिए मैं आज तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूं। तुमसे जो घर आखिर में बनवाया है वो मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। इतना कहकर सेठ ने मकान की चाबी कारीगर को दे दी। अब कारीगर मन ही मन में पछता रहा था कि मैंने खुद के घर को ही सही से नहीं बनाया। निष्कर्ष, हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, बाकी जो नतीजे मिलेंगे वो अपने अच्छे के लिए ही होंगे। ये बात भगवद गीता में भी कहा गया है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और आप लोगों को इन सब में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।